जोहार। झारखंड प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने काफी उथल पुथल के बाद काफी सोच विचार करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से वो जो है इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने ट्विटर एक्स हैंडल पे एक पत्र पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्याग पत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष के नाम से उन्होंने एक पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची, आदरणीय गुरुजी जोहार। मैं चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली एवं नीतियों से विक्षुब्ध होकर पार्टी छोड़ने को विवश हूं। अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था एवं जिसके लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ एवं गांव की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है। झामुमो मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा है एवं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ यह कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। आपके वर्तमान स्वास्थ्य की वजह से आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं तथा आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहां हम अपनी मन की पीड़ा को बता सकें। इस वजह से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान तथा उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सदैव मेरे मार्गदर्शक बने रहेंगे, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद। और यह पोस्ट आज ट्विटर एक्स पे चंपई सोरेन ने पोस्ट किया है और लिखा है और सभी पदों से सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट किए थे जब वो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद चंपई सोरेन और उनका बेटा बबुलाल सोरेन, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट यह है कि उन्होंने कहा है पोस्ट में, जोहार साथियों, पिछले हफ्ते 18 अगस्त एक पत्र द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। पार्टी में कोई ऐसा फोरम मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता तथा मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेज की गुलाम स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठ ये कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो जहानों जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की स्मिता खतरे में है। आदिवासियों, मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़ राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर से नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने के लिए इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं आम लोगों के मुद्दों एवं अधिकारों के संघर्ष वाले इस नए अध्याय में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपका चंपई सोरेन। जाहिर सी बात है, चंपई सोरेन ने कल फेसबुक आईडी पे एक पोस्ट लंबा चौड़ा लिखते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और आप काफी अटकलों के बीच, काफी सोच विचार के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से वो विमुक्त हो गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है। 30 तारीख को, आने वाले 30 तारीख को चंपई सोरेन भाजपा की दामन थामेंगे, सदस्यता लेंगे, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अब आगे की राजनीतिक भविष्य चंपई सोरेन का क्या होगा, क्या एक सवाल बार बार आता है जो चर्चाओं में भी है कि चंपई सोरेन जितने कदावार नेता झामुमो के थे, वो आखिर में क्या है सब वजह रहे कि उनको झामुमो छोड़ना पड़ा? कहीं यह वजह उनका बेटा बाबूलाल सोरेन तो नहीं? जिस तरह से बाबूलाल सोरेन की सांठगांठ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ पहले से ही रही है और उसी के वजह से सीएम रहते चंपई सोरेन जिस तरह से भाजपा के संपर्क में थे, जो खबरों में, जो सूत्रों के द्वारा पता चलता है संपर्क में थे, क्या ये वजह रहा कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ा या झामुमो पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्या ये कारण रहा है? बाकी क्या कुछ है, तस्वीरें साफ होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री ही पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, चंपई सोरेन हो या फिर मधु कोड़ा हो। तो ये तमाम मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी टोली झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में है। तो खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा और आपके मन में क्या सवाल है ये भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।